नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। जवानों से भरी टाटा सुमो को रायपुर जा रही बस ने मारी टक्कर। देर रात अंबिकापुर से रायपुर जा रही रॉयल बस ने जवानों से भरी कार को टक्कर मार दी है। फिलहाल सभी जवान खतरे से बाहर हैं। जवानों को अंदरूनी चोटें लगी है और उन्हें पास के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि लखनपुर बस स्टैंड के पास जवानों से भरी कार को पीछे से आ रही रॉयल बस ने टक्कर मार दी। वहीं जवानों की सुमो टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि घटना के बाद वहां पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और जवानों की कार को उठा लिया गया। थाना प्रभारी संदीप कौशिक, आरक्षक रविंद्र तिवारी, पुलिस आरक्षक देवेंद्र और मौके पर अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का उपचार जारी है। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पूरा विस्तृत जानकारी दीजिए। बलरामपुर से आ रहे थे जी, और बिलासपुर जा रहे थे जी। क्या चीज के लिए जा रहे थे? सीआरडी कोर्स के लिए। सीआरडी कोर्स के लिए थे। जी, कितने लोग थे गाड़ी पे? 6 लोग, ड्राइवर मिलाकर। कितने लोग को चोट लगी है? 4 लोग। अच्छा, 2 लोगों को नहीं लगी है। 2 लोगों को नहीं। और पीछे से बस वाले आगे आगे आप जी। और क्यों टापू गंभीर आया? अंदरूनी लग रहा है, अभी तो हॉस्पिटल में ही। प्राथमिक उपचार सही ढंग से हुआ? अभी जारी है। जारी है।